आज डे टू है मेरा उदयपुर में और आज हम जाएंगे एक्सप्लोर करने तीन जगह हैं, एक गंगौर घाट, दूसरा सिटी पैलेस और तीसरा करनी माता टेम्पल। तो उसके बाद शाम को मेरी ट्रेन है यहाँ से सवाई माधोपुर की, क्योंकि रणथंभौर टाइगर सफारी के लिए भी जा रहा हूँ मैं, तो इसीलिए वहाँ से फिर टाइगर सफारी जाएंगे। मॉर्निंग सफारी है मेरी, तो आज शाम की 6 बजे की यहाँ से ट्रेन है उदयपुर से। तो अभी मैं 10 बजे होटल चेकआउट करूँगा, अभी 9 बज रहे हैं, और इसके बाद ये तीन डेस्टिनेशन कवर करेंगे और देन उसके बाद रेलवे स्टेशन हो जाएंगे, फिर वहाँ से रणथंभौर। तो आज का यही प्लान है, और जाने से पहले थोड़ा सा गंगौर घाट के लिए बता दूँ, क्योंकि पहला शायद आपको वही देखने को मिले। तो गंगौर घाट बेसिकली सबसे ज़्यादा क्राउडेड घाट है यहाँ का, सबसे ज़्यादा फेमस घाट है उदयपुर का, और ये बागौर की हवेली के एकदम मतलब एकदम सटा ही हुआ है गंगौर घाट जो है। और जो भी आपकी फेमस मूवीज़ हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड हो गई, ये जवानी है दीवानी, और रामलीला, धड़क, इन सब की शूटिंग वहीं हुई है। तो मैं आपको इसके बाद गंगौर घाट का शॉट दिखाऊंगा। और बेसिकली गंगौर क्या है, एक फेस्टिवल है जो यहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें पुराने बुलक कार्ट्स आते हैं और फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स होते हैं यहाँ पे। तो गंगौर एक फेस्टिवल का नाम है, तो उसी के नाम पे इस घाट का नाम रख दिया गंगौर घाट। तो चलिए फिर गंगौर घाट पे ही मिलते हैं, आपको उसके शॉट्स दिखाता हूँ। गंगौर घाट, अभी मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाता हूँ। अभी जा रहे हैं करनी माता टेम्पल, और ये ऊपर है, 110 रुपये रोपवे का लगेगा, आप पैदल भी जा सकते हैं। तो अभी रास्ते में 2 किलोमीटर है गंगौर घाट से, तो आपको वहाँ जाके वहाँ का रोपवे का रेट वेट बताता हूँ। तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और अगर एक बात बता दूँ, अगर आप मेरी तरह 20 किलो का बैग लेके आ रहे हैं तो पैदल ना आए, क्योंकि बहुत चढ़ना पड़ता है ऊपर पहाड़ पर। मेरे पीछे पूरी चढ़ाई है, बहुत चढ़ना पड़ता है रोपवे तक जाने के लिए। बाकी रोपवे वहीं है जहाँ गवर्नमेंट बोटिंग होती है, लेक पिचोला में, दूध तलाई इस जगह का नाम है। तो बस पहुँचने वाले, ये बोर्ड लगा है मेरे पीछे यहाँ पे रोपवे का, तो पहुँच के रेट वगैरह बताता हूँ आपको। करनी माता मंदिर पहुंच गए ऊपर, और यहाँ मैं रोपवे से आया हूँ, जिसका फेयर 106 रुपीज़ लगा है टू वे का, मतलब आना और जाना भी। तो टिकट आपको संभाल के रखनी पड़ेगी अगर वापस जाना है तो। और इस मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा रैट्स दिख जाएंगे, मतलब चूहे, सफ़ेद और काले दोनों हैं, तो हो सके तो उनको फीड करिएगा। माना जाता है कि वो माता के लिए ही यहाँ पे हैं, तो बहुत पवित्र माना जाता है उन्हें यहाँ पे। और यहाँ जो ये फेमस है इसके व्यू के लिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखाऊँगा। तो बहुत सही जगह है, बहुत अच्छी जगह है, एक बार ऊपर ज़रूर आइएगा। और मैं यहाँ से अभी आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ।
सो यही रहे मेरे पीछे करनी माता का मंदिर। अब मैं आपको एक व्यू पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ जो कि ये यहाँ पे है, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। मतलब यहाँ से पूरी उदयपुर सिटी, रेलवे स्टेशन वगैरह, सिटी पैलेस, लेक, सब कुछ दिखता है क्लियर। तो अभी मैं आपको व्यू पॉइंट पे लेके जाता हूँ और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो वहाँ करनी माता जी के दर्शन करके ये पीछे का व्यू इंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा चारों तरफ का व्यू है। ये मंदिर बेसिकली इसीलिए फेमस ही है कि ये एक तो माता का मंदिर है, और दूसरा इसके यहाँ से जो व्यू दिखता है आप देख सकते हैं पूरा व्यू। तो यहाँ पे आना वर्थ है। रोपवे का 106 रुपये है, टू वे का, मतलब कि आना और जाना दोनों। और ये देखिए पूरा शहर है ये, यहाँ पे कहीं रेलवे स्टेशन और ट्रेन भी खड़ी है, शायद दिख रही हो आपको या नहीं। तो ये पीछे यहाँ पे मंदिर है जो कि मैं अभी होके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे चूहों की बहुत मान्यता है, सफ़ेद और काले चूहे दोनों मिल जाएंगे आपको देखने को, तो उनको फीड कर दीजिएगा। उनको यहाँ पे काबू बोलते हैं, काबू। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब अगला है सिटी पैलेस, तो वहीं मिलते हैं आपसे। तो बस यही बताना है कि करनी माता के मंदिर से निकल गया हूँ और अब जा रहा हूँ मैं सिटी पैलेस की तरफ, तो वहाँ मिलते हैं। बाकी आप लोगों से ये कहूँगा कि करनी माता ज़रूर आएँ, ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है।